Hello, hello, all my rockstars. Welcome to Vedantu Young Wonders. This is Amit Rono, your master teacher for English and Kaise Hai Mere Rockstars. CBSE 7, today Amit sir is back with a beautiful, beautiful, choti si, cute si poem leke, that is Dad and the Cat and the Tree by Kit Wright. Literally, people, it is about a cute, cute kitty cat. बहुत मजा आने वाला है. देखो, आज के वीडियो में क्या क्या करेंगे. पहले पहले मैं आपको दूंगा पूरी की पूरी पोयम का इंट्रोडक्शन, पूरी की पूरी पोयम का समरी विद रेसिटेशन. उसके बाद बेटा पोयम का मॉरल क्या है, वॉट इज इट दैट वी लर्न. ऑल द पोएटिक डिवाइसेस होंगे, चाय फाइव क्विजेस, कॉज अमित सर लव्स चाय. बेटा वी क्विज का लिंक आ जाएगा, सिंस दिस इज अ प्रीमियर वीडियो आई विल शो यू वेयर द लिंक विल कम, बता के अभी. ठीक है, क्यू एंड ए भी करेंगे. मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा एंड में आएगा होमवर्क का सवाल. आप सबको एंड तक रुकना है, होमवर्क का सवाल सुनना है. गिव मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा. अमित सर विल कम एंड चेक योर होमवर्क एंड टेक योर नेम इन माई नेक्स्ट लाइव वीडियो. चलो, मेरे पिछली बार के होमवर्क सुपरस्टार्स माई पूजा, गुरप्रीत, सिमरनजीत, अलका, नागेंद्र, प्रत्युष, big big high five, thank you so much for doing the homework. Okay, so beta, you know about me and 100% all of you watching right now hai Amit sir ke reader, writer and truly truly achievers. Okay, so beta jude rehna mere sath, jo main hamesha bolta hu, Instagram pe follow kar lena, Telegram pe mereko message kar dena, reach out karna and email kar dena if you want to. ठीक है, चलो पीपल अभी वी क्विज कहाँ क्यों कब कहाँ आपको दिखा देते हैं. तो बेटा आपको जाना है यूट्यूब पे. ठीक है, ये देखो, ये यूट्यूब है बेटा. आपको जाना है अमित सर के ये वाले वीडियो के अंदर. जैसे ही ये वीडियो प्रीमियर होगा, पहले पहले आपको अंदर जाके इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. यहाँ पे आपका वी क्विज का लिंक आएगा. यू नीड टू क्लिक ऑन दिस लिंक एंड प्ले द वी क्विज विदाउट फेल. अदर देन दैट बेटा, शो मोर पे जाओगे ना, तो यहाँ पे आपके आ जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट एनरोलमेंट के लिंक्स. तो आप ग्रेड 6 हो, ग्रेड 7 हो, ग्रेड 8 हो, जो भी हो, डेफिनेटली इस लिंक पे क्लिक करके अपने एडमिशन अगर चाहिए वेदांतों में तो ले लेना, यू विल गेट अ रॉकिंग डिस्काउंट. ठीक है, चलो जी, हो गया इसी के साथ, लेट्स गेट स्टार्टेड. सारे के सारे बच्चे जल्दी जल्दी लाइक बटन दबाएंगे, सब्सक्राइब की घंटी दबाएंगे, शेयर करो विद योर फ्रेंड्स. Let's get started. देखो तो बेटा, ये पोयम में ना बेसिकली नैरेटर बता रहा है छोटी सी स्टोरी ऑफ हाउ देयर कैट गॉट स्टक ऑन द टॉप ऑफ अ ट्री एंड हाउ पप्पा जी ट्राइड टू ब्रिंग, मतलब कि ना पूरी पोयम में जो स्ट्रगल कि बिल्ली मौसी को नीचे कैसे लाए. दैट्स ऑल. चलो, सो पीपल लेट्स रीड. This morning na a cat got stuck in a tree. ठीक है, Dad said, right, just leave it to me. ठीक है ना, मेरे को छोड़ दो, मेरे पे मैं देख लूंगा. द ट्री वॉज वॉबली. तो बेटा ट्री हिल रहा था, ट्री वॉज टॉल. मम सेड फॉर गुडनेस सेक डोंट फॉल. फॉर गुडनेस सेक मतलब के बिनो भगवान के उसमें गिरना मत भाई. फॉल स्कॉफ्ड. स्कॉफ्ड मतलब कि ना बेटा कोई चीज को ना ऐसे डिसमिस कर देना कि ये चल हट. ठीक है, अ क्लाइंबर लाइक मी, हेलो, चाइल्ड्स प्ले दिस इज, बोले तो ये तो बहुत आसान है क्या. ठीक है, यू वेट एंड सी. चलो, ही गॉट आउट द लैडर. तो बेटा लगाई बड़ी सी सीढ़ी फ्रॉम द गार्डन शेड. तो बेटा शेड ना इज अ काइंड ऑफ अ स्टोरेज जहां पे गार्डनिंग इक्विपमेंट्स वगैरह रहते हैं. इट स्लिप्ड, ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड. तो ऑब्वियसली बेटा झाड़ ही हिल रहा था, लैडर भी हिली, लैडर गिरी, पापा जी गिरे कहाँ पे, फूलों के गुलदस्ते में. चलो, तो अभी इसका समरी पढ़ते हैं. तो बेटा नैरेटर के हिसाब से ना उनकी बिल्ली बेचारी चली गई पेड़ के ऊपर. अभी चली तो गई, अभी उतरे कैसे. ठीक है, मेजर प्रॉब्लम लाइफ का ना. तो पप्पा जी के सो द फादर सेड दैट He will bring it down. But लेकिन बेटा झाड़ बहुत लंबा था, झाड़ बहुत वॉबली था, मतलब अनस्टेबल, और झाड़ हिल रहा था. चलो, मदर ने बोला प्लीज भाई बहुत ध्यान करना, गिरना मत. दैट इज मम्मी लोग ऑलवेज आर ओवर केयरफुल. ओके, लेकिन पीपल द फादर सेड दैट ए क्लाइंबिंग द ट्री ना इज लाइक चाइल्ड्स प्ले. ठीक है ना, मतलब ना मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, इट इज टू ईजी एंड बेसिक फॉर मी, सो आई एम नॉट स्केयर एट ऑल. ठीक है, चलो. तो बेटा पापा जी जुड़ गए. ही ब्रॉट द लैडर एंड स्टार्टेड क्लाइंबिंग. पापा जी इज लाइक आई एम गोइंग टू क्लाइंब. लेकिन बेटा जैसे ही चढ़ने लगे, धड़म से लैडर फिसली और वो गिर गए फ्लावर बेड में. तो फ्लावर बेड मतलब कि एरिया जहाँ पे फ्लावर्स उगते हैं. ठीक है, चलो, वी विल अभी स्टैंजा टू, इट इज टू मच फन. नेवर माइंड सेड डैड, मतलब कुछ नहीं, कोई नहीं. ब्रशिंग द डर्ट, ब्रशिंग मतलब कैसे ऐसे करके ऑफ हिज हेयर.
एंड फेस एंड हिज ट्राउजर्स एंड हिज शर्ट. तो बेटा दिस इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ एन इमेजरी जहाँ पे हमको दिख के पता चलता है कि बापरे इतनी बेचारे पे मट्टी 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 आ गई. वील ट्राई प्लान बी. तो प्लान बी मतलब कि ऑप्शन नंबर टू, स्टैंड आउट ऑफ द वे. स्टैंड आउट ऑफ द वे मतलब कि तुम हट जाओ. मम सेड डोंट फॉल अगेन. ओके प्लीज गिरना मत. फॉल अगेन सेड डैड. फनी जोक. मस्ती मत करो. ठीक है. देन ही स्वंग हिमसेल्फ अप. तो बेटा स्वंग मतलब कि ना जैसे झूला होता है, जैसे कि ना एक स्विंग बन जाता है ऑन अ ब्रांच. तो बेटा डैडी ने क्या किया, ऐसे जड़म करके चढ़ गए ब्रांच के ऊपर. बेटा ब्रांच ही टूट गया. डैड लैंडेड वेलप. वेलप मतलब कि विद अ थर्ड ऑन बिलो ऑन बैक ऑन द डेक. तो डैड जो जैसे टहनी पे चढ़े, टहनी गिरी, डैड भी गिरे और नीचे गिर गए. पीपल सो सैड. चलो आफ्टर फॉलिंग डाउन बेटा अभी डैडी ने ब्रश द डर्ट ऑफ, मतलब रिमूव द डर्ट ऑफ हेयर, फेस, ट्राउजर, शर्ट, सब डर्ट 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 भाई सब. चलो आफ्टर दैट बेटा डैड ने बोला कि मेरे पास एक और प्लान है. ठीक है ना. मम ने बोला भाई जो भी प्लान है गिरना मत, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है. पापा ने बोला चल चल. पापा सीधा हंसे और एक टारजन जैसे, पीपल जस्ट लाइक टारजन, ठीक है, झाड़ पे चढ़ गए बेटा. लेकिन ब्रांच स्ट्रांग था ही नहीं, डैड का वेट ले ही नहीं पाया एंड पापा जी अगेन गिरे बहुत जोर से. ठीक है, धड़ाम करके गिरे पीपल. चलो मम सेड स्टॉप इट, यू विल ब्रेक योर नेक. मम ने बोला दिमाग खराब है, हड्डियां टूट जाएंगी. रबिश सेड डैड. नाउ वी विल ट्राई प्लान सी. तो पीपल पप्पा लोग ओपी. प्लान ए फेल गया, प्लान बी फेल गया, तो क्या होगा प्लान सी. इजी एज विंकिंग टू अ क्लाइंबर लाइक मी. विंकिंग मतलब कि ना बेटा अपनी आंखों को जैसे आप हिलाते हो. देन ही क्लाइम्ड अप हाई ऑन द गार्डन वॉल. ठीक है, तो उन्होंने बोला देखो झाड़ पे तो चढ़ा जा नहीं रहा है, तो जो गार्डन की दीवार है मैं उस पर चढ़ जाता हूँ उससे जाके. ठीक है, गेस वॉट, ही डिडंट फॉल, ही गेव अ ग्रेट लीप. बेटा तो वहां से उन्होंने उड़ान लगाई, जंप लगाई एंड ही लैंडेड फ्लैट इन द क्रुक ऑफ द ट्री ट्रंक. तो बेटा क्रुक ना मतलब कि देखो अभी जैसा झाड़ होता है, यहाँ पे एक ट्री का ट्रंक होता है, इसके अंदर भाई सीधा राइट ऑन द कैट. तो कैटी हमारी उधर बैठी थी, तो पापा जी आए 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 जंप करे और कैटी के ऊपर. हे भगवान. चल मम ने बोला बस अभी भाई तो बहुत हो गया, तो देख हड्डियां टूटनी है बस. पापा ने बोला हेलो प्लान ए नहीं, प्लान बी नहीं तो क्या, प्लान सी तो होगा अभी देखो. तो पापा बेटा पापा चढ़ गए गार्डन की दीवार पे एंड अभी गिरे नहीं, चलते गए चलते गए चलते गए. बेटा वहां से सीधे जो उन्होंने एक छलांग लगाई वो सीधा पहुंचे कैटी दीदी के एकदम बगल में या कैटी दीदी के ऊपर. बेटा अभी कैटी दीदी भी तो नादान बेचारी, उसको क्या पता ये क्या करेगा ह्यूमन. ही द कैट गेव अ येल एंड स्प्रैंग टू द ग्राउंड. तो मतलब कैटी दीदी सीधा जमीन पे कूदी. प्लीज डस्ट पंच टू बी सेफ एंड साउंड. ठीक है, तो मतलब कैटी दीदी वॉज वेरी हैप्पी कि मैं तो एकदम ठीक हूं. सो इट्स स्माइलिंग एंड स्मर्किंग. ठीक है, स्मग गेस कैन बी. तो बेटा यहाँ पे ना कैट के ना एक्सप्रेशंस की बात हो रही है कि कैट कैसे, पीपल जब आप जीत जाते हो कैसे शक्ल बनाते हो. हाँ ऐसे ही बनाते हो, डोंट लाई. ठीक है, सो एंड हाउ डू यू जज अदर पीपल, इतना भी नहीं आता है ना. सो कैट वॉज मेकिंग समथिंग लाइक दैट. पुअर ओल्ड डैड. बेटा डैड भी तो अभी झाड़ पे चढ़ गए हैं, स्टिल स्टक अप द ट्री. अभी डैड अटक गए, पहले बिली मौसी अटक गई थी. वॉट अ फनी पोएम दैट्स ऑल. चलो तो बेटा हमारी कैटी दीदी चिल्लाई, कैटी दीदी आराम से जंप करके आ गई एक छलांग में जमीन पर. एंड अभी पापा जी अटक गए भाई झाड़ पे, तो अभी समझ में नहीं आ रहा. तो इसी से बेटा हमने क्या सीखा है इस पोएम में, वी शुड नेवर बी ओवर कॉन्फिडेंट और एल्स वी विल 100% फंस जाएंगे बेटा, तो थोड़ा कम कर. चलो बेटा चाय फाय बताओ, ये पोएम क्या है, मॉकरी ऑफ डैड है, मतलब आर वी मेकिंग फन ऑफ डैड, इज इट अ फनी पोएम, अ फेलियर ऑन द फॉली. फॉली मतलब कि डैड की सारी गलतियां, या इट इज पॉपुलर विद द किड्स. ए और बी और सी और डी. सारे के सारे बच्चे लाइव चैट में बताएंगे, कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे. बेटा बताओ कम ऑन, व्हाट इज द आंसर, ए और बी और सी और डी. दिखा दे, आई एम शोइंग द आंसर इन थ्री इन टू इन वन एंड पीपल, इट इज अ वेरी वेरी फनी 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 पोएम एब्सोल्युटली.
चलो तो बेटा लेट्स लुक एट सम पोएट्रिक डिवाइसेस. 100% दिस पर्सोनिफिकेशन. बेटा पर्सोनिफिकेशन इज एट्रीब्यूशन गिविंग ऑफ अ ह्यूमन क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक टू नॉन ह्यूमन थिंग्स एंड एनिमल्स. तो जहां पे आप किसी ह्यूमन की चीज किसी नॉन ह्यूमन को देते हो. सो बेटा स्माइलिंग एंड स्मर्किंग आप कैटी दीदी को ह्यूमन बना रहे हो. चलो एलिटरेशन है जहां पे सेम लेटर या सेम साउंड रिपीट होता है दो या तीन शब्दों के बिगिनिंग में. बेटा बिगिनिंग हम लिख रहे हैं. सो ऑल ऑफ दीज में व साउंड, ट साउंड, ह साउंड, प साउंड, स साउंड, देखो इज रिपीटिंग एट द बिगिनिंग. चलो थोड़ा वोकैबुलरी पढ़ेंगे बेटा. वॉबली मतलब के ना ऐसे हिलना, ठीक है, हवा में. स्कॉफ्ट मतलब के ना बेटा किसी का मजाक उड़ाना, जस्ट लाइक दिस. आई लव इट. ठीक है बेटा. स्मर्किंग ना मतलब के ना ऐसे किसी को ना एकदम खुशी से देखना जब आप जीत गए हो तो, जस्ट लाइक दैट. ठीक है चलो बेटा. वॉलप मतलब धड़ाम करके गिरना. चल बेटा हो जाएगा क्वेश्चन आंसर्स, देन वी आर डन. हु ट्राइड टू हेल्प द कैटी. लिखो जल्दी जल्दी लाइव चैट में फुल स्पीड में आप ही आंसर लिखो. वॉज ही सक्सेसफुल भाई साहब. सो पहले देखो हु ट्राइड टू हेल्प, उसके बाद लिखो यो और नो, वॉज ही सक्सेसफुल. चलो आंसर देखेंगे. सो बेटा 100% डैडी ट्राइड टू रेस्क्यू एंड एब्सोल्युटली नॉट. पापा जी तो धड़ाम करके गिर गए यार. Was dad really a good climber? तो बेटा इसका प्रॉपर आंसर पढ़ेंगे. नहीं ना, because he wasn't really good at climbing trees because he fell down on the ground so many times while helping the cat get down. तो बेटा डैड जब भी चढ़ते धड़ाम से गिर जाते. तो डैड को ना बैलेंस था ना टैक्ट था. देखो बेटा झाड़ को भी आपको समझना चाहिए ना कि झाड़ को चढ़ेंगे कैसे. एक और, what was the result at the end of the poem? ये तो you can answer. हाँ full speed में live chat में लिखो, कमेंट सेक्शन में लिखो. बेटा यू कैन पॉज द वीडियो इफ यू वांट एंड थिंक एंड देन अनपॉज द वीडियो एंड वॉच द आंसर. बताओ 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 कि एंड रिजल्ट क्या बना. ठीक है चलो आई एम शोइंग द आंसर इन 3, 2, 1. ओ गॉड इट्स सो फनी. तो बेटा एज द फॉर्मर मतलब कि ना जैसे पहले वाले प्लान्स फेल होते गए, डैडी वुड कीप ट्राइंग नेक्स्ट प्लान. ठीक है मतलब क्लाइम द ट्री, हेल्प द कैटी, he climbed up the high wall of the garden, ठीक है, and fortunately succeeded. Finally, dad दीवार पे चढ़ गए. ठीक है later as he stepped in the crook of the tree, वहां से जैसे ही वो झाड़ के ट्रंक के अंदर पैर रखे, near the cat, cat इतनी डर गई कि cat directly fell to the ground. cat ने एक छलांग लगाई बिना किसी. बेटा remember a cat always lands on its paws, always. तो कैट को कभी लगता नहीं है. इवेंचुअली डैड गॉट स्टक अप ऑन द ट्री एंड वाज अनेबल. क्यों भी डैड क्या करे बेटा, उन्होंने गार्डन वॉल से झाड़ के उसमें तो छलांग लगा दी, अभी वहां से गार्डन वॉल पे छलांग लगा नहीं सकते, वहां से नीचे आ नहीं सकते. तो डैडी अटके बुरी तरीके से. चलो इसी के साथ होमवर्क का सवाल, व्हाट हैपेंड टू द कैटी. बेटा मेरे को 20 to 30 वर्ड्स में इसका आंसर बताओ बहुत फन में से, एंड लीव इट फॉर मी इन द कमेंट सेक्शन. इसी के साथ थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग माई वीडियो. आई हैड अ लॉट ऑफ फन इन क्रिएटिंग इट. जुड़े रहना अमित सर के साथ डेफिनेटली. बेटा जाने से पहले लाइक जरूर कर देना, 100% सब्सक्राइब कर देना, इन द कमेंट सेक्शन होमवर्क करके छोड़ देना. आई विल कम एंड चेक इट. अंटिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, प्लीज स्टे सेफ. दिस इज अमित सर साइनिंग ऑफ.